सबसे पहला सवाल नाजिम साहब आपसे ही, आखिर भारत के तालिबानीकरण की साजिश को जस्टिफाई क्यों कर रहा है देवबंद? देखिए आयुष भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश संविधान से चलता है, और जिस तरीके से अभी गजवाए हिंद की बात करी जा रही है तो गजवा एक अलग चीज़ है, हिंद हमारा अलग है, लेकिन जब गजवा हिंद को अगर इस तरीके से सामने रखा जाता है कि देवबंद ने ये फतवा दिया है, जैसे अभी मैंने भाजपा के नेताजी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अगर आप धर्म परिवर्तन भी करवाओगे तो गजवा हिंद होता है, अगर आप किसी का पलयालन भी कराओ तो गजवा हिंद होता है। ये सब इस तरीके का भ्रम पैदा करके भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के खिलाफ एक प्रोपगंडा चलाया जा रहा है, एजेंडा के तौर पे इस तरीके को करा जा रहा है कि हाँ देखिए भारत का मुसलमान गजवा हिंद चाहता है, और जबकि भारत का मुसलमान तो हमेशा ये चाहता है कि देश संविधान से चले। तो संविधान में कहां लिखा है गजवा हिंद का जिक्र कहां है? देखिए हाँ आयुष भाई बिल्कुल, अब आप मेन बात पाए, मैं वही बताता हूँ कि गजवाए हिंद संविधान में नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो संविधान से देश चलने वाला वो तो संविधान से चलेगा, लेकिन यानी देवबंद गैर संवैधानिक बात कर रहा है। देखिए गजवा सुन तो लीजिए, जब गजवाए हिंद का उन्होंने एक फतवा दिया है तो सबसे पहले वहां एक जांच ये होनी चाहिए किसने फतवा मांगा है, तो कम से कम ये तो पता चल जाए कि कौन से एजेंडे के तहत देवबंद से फतवा मांगे जा रहा है। अरे देवबंद तो फतवा देगा, और बिल्कुल देगा, क्योंकि देखिए देवबंद का काम है कि शरीयत के हिसाब से अगर आप भी अपने बारे में जानकारी लेंगे आयुष भाई, तो आपको भी वो फतवे के तौर पे बताएंगे। मुझे कोई जानकारी नहीं लेनी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने खुद कहा कि संविधान से चलेगा देश, तो अगर फतवा इस तरह का जारी किया जा रहा है, गजवा हिंद को सही बताया जा रहा है, तो यानी कि देवबंद गैर संवैधानिक हुआ कि नहीं हुआ? आयुष भाई देखिए गजवा हिंद का मतलब क्या है, मुझे अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि गजवा हिंद जो बाबर कह रहे हैं कि फतवे के तौर पे एक जो देवबंद जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। मैं कहता हूं वहां से कारे मौलाना बड़े बड़े इमाम साहब से हम निकलते हैं और अच्छी तालीम लेकर निकलते हैं, तो गजवा एक जो है गजवा एक लड़ाई के लिए शब्द इस्तेमाल हुआ था जब पैगंबर इस्लाम का दौर था, उस टाइम की बातें ये चल रही हैं, और जब बार बार जब ये आती है कि हिंद, हाँ हिंद हमारा हिंदुस्तान है, तो गजवा में जो भाई भारत के अंदर हम मुस्लिम भाई रहते हैं तो उनको बताया जाता है कि इस्लाम जो फैलता है, इस्लाम जो आगे जा रहा है वो इसलिए बताया जा रहा है कि एक अमन में सुकून के साथ जा रहा, तो यह भारत के अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं मतलब गजवा ये हिंद ये हुआ कि इस्लाम के हिसाब से भारत में, हिंदुस्तान में, हिंद में इस्लाम के हिसाब से सुकून फैलाने की कोशिश है। ये तो सुनिए सुनिए आयुष भाई, ये तो हमारा संविधान हमें इस चीज की इजाजत देता है, संविधान गजवा हिंद की इजाजत थोड़ी देता है। संविधान के तहत ही तो चलो, मेरा संविधान ही हमें अपने रिलीजियस को भारत में मानने की पूरी परमिशन देता है, और हम संविधान के तहत ही सारे जितने यानी कि गजवा हिंद इस्लाम का एक हिस्सा है और आपको संविधान के हिसाब से उसकी इजाजत चाहिए। देखिए संविधान, मैंने कहा ना कि हम तो संविधान को मानने वाले, संविधान ने हमको हमारे संविधान की आड़ में गजवा हिंद को जस्टिफाई मत करिए, आप ये बताइए बस, परमिशन दिया मानने, गजवा हिंद इस्लाम का हिस्सा है नहीं है? देखिए मैंने कहा ना गजवा का शब्द इस्तेमाल करा गया है जंग के लिए, जहां पर जंग होती थी जब। प्रोफेसर प्रवेश कुमार जी बताइए, आखिर ये कौन सी जंग भारत के खिलाफ, और देवबंद कब तक जस्टिफाई करेगा ऐसी नफरती अप्रोच को? नहीं, हम इसकी कड़ी आलोचना करते हैं। पहले तो ये शब्द की, गजवाए हिंद का अर्थ होता है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, और काफिर किसको कहते हैं? ये काफिर उसको कहते हैं जो इनके मत को नहीं मानता है, जो इस्लाम को नहीं मानता, जो मुसलमान धर्म को नहीं मानता, रिलीजन को नहीं मानता, वो सब काफिर हैं। यानी कि इस्लाम को बढ़ाना समाज के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर इस्लाम को बढ़ाना, यही गजवाए हिंद है। तो आप ये समझ लीजिए भारत के अंदर ये होने वाला नहीं है। नहीं तो जो टर्म अलकायदा इस्तेमाल करता है गजवा हिंद के लिए, वही टर्म भारत की एक शैक्षणिक संस्था कैसे जस्टिफाई कर रही है? ये देश संविधान से चलेगा सर, और जो अभी आपने काफिर शब्द का इस्तेमाल करा, मैं आपको बता दूं ये जो होता है ये सऊदी अरब में, जहां भारत का कोई जिक्र नहीं है इसके लिए। गजवा का मतलब आप पहले सुन लीजिए, ठीक है? एक बार नाज़िम साहब सुन लीजिए, प्रोफेसर साहब को सुन लीजिए एक बार। हाँ बोलिए बोलिए प्रवेश जी बोलिए। वही मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर वर्षों जो है इस्लामिक आक्रांताओं का शासन रहा, तब ये गजवाए हिंद नहीं कर पाए, तो ये आप क्या कर पाएंगे? अब तो इनके लिए नामुमकिन है। जब 300-400 साल तक ये शासन में रहे, तब भी हमारा सनातन हिंदू धर्म हमको प्रेरणा देता रहा, हजारों साल हमको संघर्ष, 1000 साल बुद्ध भी रहे इस देश में, हिंदुत्व ने दी। अरे अरविंद, महर्षि अरविंद क्या कहते हैं? आयुष जी, महर्षि अरविंद कहते हैं कि राष्ट्रीयता हमारी सनातन धर्म है,
तो सनातन धर्म का हमारी अस्मिता है। एक बार सुन लीजिए, सुनिए उसको, उसको फाजिल साहब सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा, इसके बाद आप ही काउंटर कर लीजिएगा। बोलिए प्रवेश जी, आप लोग सुनना नहीं चाहते फाजिल साहब, हम बता रहे आपको कि आपको फाजिल साहब ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सुनिए फाजिल साहब बोलिए, उसको याद भी नहीं करना साहब बोलिए नहीं है, और वो भी सनातन है, एक मिनट, इस देश में समझ लीजिए पहले, यही पैदा हुए आप, अगर फाजिल साहब राम मंदिर जब जाएंगे तो भगवान रामलला की मूर्ति जो है भगवान को चढ़ा के मूर्ति लगी है, अरे सुनो उसको इग्नोर कर, वो छोड़िए बुद्ध को इग्नोर नहीं करना, सुनिए ना, भारत में काजी आया और भगवान हिंद, एक बार जवाब पूरा हो जाने दीजिए फाजिल साहब, सुनिए सुनिए, एक बार सुन लीजिए प्रोजी जल्दी कंप्लीट सुनने के लिए, आपके धर्म में क्या है ऊंच नीच छुआ छूत फाजिल साहब की है दुनिया के अंदर, फाजिल साहब, फाजिल साहब की, यही तो फाजिल साहब की, फाजिल साहब की हिंदू मानने के लिए, और प्रवीण जी जल्दी कंप्लीट करिए, आपका नाम है सनातन हिंदू धर्म, आप इतना नीच नीच, किसी को नीच समझते हैं, किसी को अछूत समझते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए फाजिल साहब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे आपके लिए दिक्कत हो जाए, फाजिल साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो जाए, पूछ रहा है क्या फाजिल साहब, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो जाए, अगर इस तरह से नफरत की फाजिल साहब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जिससे आपको दिक्कत हो, तो सीखिए महामंडलेश्वर जी ये बताइए, एक ऐसे बात को जस्टिफाई करना जिस बात को लेकर अलकायदा भी कहता रहा, अलकायदा ने भी जब नुपुर शर्मा की टिप्पणी आई थी उस वक्त कहा कि गजवा हिंद के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आयुष जी वही लाइन लेंथ वही बात है, देवबंद क्यों कह रहा है, मैं आता हूं, मैं आता हूं फाजिल साहब, तो फेल है किसानों से, फाजिल साहब मैं आता हूं के पास, आप मजम्मत करिए, ये केवल अपनी अपने फायदे, ठीक है फाजिल साहब सुनिए, सुनिए और उस चीज को दबाने के लिए फाजिल साहब सुनना पड़ेगा, फाजिल साहब सुनना पड़ेगा, फाजिल साहब सुनना पड़ेगा, इससे ऊपर उठ ही नहीं सकते, आपके पास याद था लेकिन आपने बीच में टूटना रोका ही नहीं, किसान सड़कों पे है, वहाँ गोलियां चल रही है, वहाँ लाठियां चल रही है, महामंडलेश्वर जी बताइए, उस चीज को दबाने के लिए लोग गजवा हिंद लेके आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, ठीक है फाजिल साहब सुनिए, देश में किसी का फतवा एप्लीकेबल है क्या, भारत का संविधान इतना कमजोर है कीजिए, सच्चाई को जान लिया कीजिए, किसी का फतवा और फाजिल साहब रुक जाइए, फाजिल साहब रुक जाइए, फाजिल साहब रुक जाइए, फाजिल साहब रुक जाइए, फाजिल साहब किसी के बोल देने से थोड़ा, फाजिल साहब रुकिए अब, फाजिल साहब रुकिए अब, रुकिए अब, रुकिए अब, एक बार सुनिए इसके बाद बोलिएगा, बताइए महामंडलेश्वर जी, भारत हिंदू राष्ट्र है, आयुष जी बताने की आवश्यकता नहीं है, पागलपन है, भारत हिंदू राष्ट्र ही है, फाजिल साहब रुक जाइए, मैं आपके पास आऊंगा, ऐसे नहीं हो पाएगी डिबेट, आप बोलते रहेंगे सबके बारे में, कैसे हमारे मूल्य सनातन है, नहीं ठीक है प्रोफेसर साहब रुकिए, मैंने कहा कि प्रोफेसर साहब रुकिए, प्रोफेसर साहब सुनिए, प्रोफेसर साहब और फाजिल साहब सुनिए, इस देश के क्रांतिकारियों ने कहा, जितने धर्म के लोग इस देश के क्रांतिकारियों ने कहा, इस देश के संविधान के लिए कोई आप ही नहीं अकेले, फाजिल साहब रुकिए, 20 करोड़ हिंदू, फाजिल साहब की ऑडियो हमने कब कहा महत्वपूर्ण नहीं है, ब्राह्मण धर्म 20 करोड़ हमने कब कहा मानने वाले लोग हैं, ब्राह्मण धर्म के अलावा 20 करोड़ से ज्यादा कौन मानता है जी, 30 करोड़ आदिवासी आपको मानता ही नहीं है, अरे आपको कुछ पता है फजील साहब, बिना मतलब के फालतू की बात कर रहे हैं आप, बात हो रही है देवबंद की, आप बात कहां कर रहे हैं, कौन होता है आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्री देवबंद की बात हो रही है, उस पे बात किया जाए, इस तरीके के शब्द, अरे मैं बताता हूं आपको, अरे ये बताइए, ये पूरे देश का मुसलमान मूल देवबंद, अरे ये बताइए आप क्या धारा वहां से चलती है, हाजी नाजिर साहब वहाँ से पूरी विचारधारा पूरा देश का मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश सबका जो है देवबंद की बात मानता है, और वहाँ से फतवा जारी होना यानी पूरे भारत का मुसलमान का यह विचारधारा है।